नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नगर निगम अधिकारियों ने जलोली गांव में तोड़े आबादी के अंदर बने मकान। विधवा औरत लगाती रही गुहार पर नहीं पसीजा अधिकारियों का दिल। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरे के अंदर बने हुए मकानों की रजिस्ट्री कर उनके मालिकों को मालिकाना हक सौंप रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आबादी के अंदर वर्षों से बनाए गए मकान लोगों के मकानों पर अवैध कब्जा बता करके गिराए जा रहे हैं। नगर निगम पंचकुला के वार्ड नंबर 20 के गांव जलोली में नगर निगम अधिकारियों ने अवैध कब्जा बता करके गरीब लोगों के मकान और आशियानों को पल भर में धराशायी कर दिया, जबकि इन मकानों में मालिकाना हक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अपने मकान गिरते देख मकान मालिक और उनकी महिलाओं व बच्चों ने रो रो करके अधिकारियों के आगे उनके मकान ना गिराने के लिए बड़ी गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। अच्छी खासी छत से ला करके आसमान के नीचे खड़ा कर दिया गया। इन लोगों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारियों ने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि उनको पता था कि उनके मकानों का मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं जब इन मकानों को तोड़ा जा रहा था तो उस समय हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय बंसल भी मौके पर पहुंचे थे। आप देखें पल पल के विशेष रिपोर्ट। सरज निगम के द्वारा अवैध जो निर्माण किए गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है, किस तरह से अभियान चल रहा है और किन जो कौन से कब्जे हैं जिन्हें हटाया गया है? ये यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है इस गांव के अंदर, उसकी कमाई शुरू थी उसके एरिए के अंदर, जो बाउंड्री वाल के अंदर जो इलीगल अवैध कब्जे थे, जो घर थे या पशुओं के बाड़े थे, उनकी पैमाइश करा के रेवेन्यू वालों से, और जो पैमाइश के अंदर आए हैं उनको गिराया गया। तो कितने लोगों के जो घर या बाड़े थे यहाँ पे जिनको गिराया? 4-5 बड़े मकान थे, बाकी 2-3 बाड़े थे उनको गिराया गया। तो अगर मलकियत की बात की जाए तो निगम के पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं इसकी मलकियत के? ये निगम की पैमाइश की हुई है, ये निगम की पैमाइश के अंदर ही जो जमीन आई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा पैमाइश की हुई है, उन्हीं को ही गिराया गया। तो जिस तरह से सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना चलाई गई है, जहां भी लाल डोरे की जमीन थी उसकी रजिस्ट्री बकायदा नाम की जा रही है, तो क्या इस तरह का कोई इस तरह का यहां जगह नहीं है? लाल डोरे से बाहर की जमीन नगर निगम की बाउंड्री जो कम्युनिटी सेंटर के दायरे में आती है वो जमीन थी। जो घर हैं जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनका आरोप है कि आसपास अगर उनका अवैध कब्जा है तो आसपास कहीं और अवैध कब्जे हैं, निगम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही? निगम जैसे जैसे उनके संज्ञान में आएगा कार्रवाई करेगा, उनका भी मार्केटिंग करवाएंगे, समय कराने के बाद रेवेन्यू वालों से जो जैसे निगम की लैंड निकलेगी उनको भी गिरा दिया जाएगा। मतलब क्या नाम है आपको और आज आपके मकान गिराए गए हैं, क्यों यह कार्रवाई प्रशासन के द्वारा? मेरा नाम संजीफा जी, और निगम वाले ने मेरा मकान गिराया आबादी में, मेरा घर लाल डोरे के अंदर। तो कितने साल से आपका मकान था यहाँ? मारे तो बुजुर्ग बीवरी रह गए थी, मन तो नहीं पता, सस्सू सोरे बीवरी मर गए, मारे उनके सस्सू सोरे बीवरी मर गए, हम भी बीवरी हैं जी, मारे मालक भी मर गए। तो जो ये कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है आप लोगों के बाद में बनाया गया था या पहले? भी बनाया जी, पहला नहीं था जी, ये भी बनाया है। कितने लोगों के जो है मकान यहाँ पे तोड़े गए हैं? ये 6 घर आ गए जी मकान तोड़े। तो कोर्ट में भी इसका कोई केस डाला गया था? डाला जी कोर्ट में, कर लो तरीक जी। तो तरीक से पहले ही निगम को? हाँ, तरीक से पहले ही निगम वाले ना घेर दिया आनका, सलीम ने फोन नहीं उठाया बिल्कुल भी, ज्ञान चंद गुप्ते ने फोन कर काट का घर करवाए दोबारा, उन्हें गरीबा का नहीं सोचा भी गरीब अब विधवा ये कहाँ जाएंगी, मेरे बच्चे सवेर के भूखे खड़े जिले में, मेरी बहू थी 4 दिन की छोकरी और नहीं वो बाहर खड़ी, बता कहाँ पढ़ाऊंगी जी मैं।